मार्केट में बहुत सारे स्पाई कैमरा डिवाइसेस आते हैं। आपने देखा होगा कि शर्ट का बटन जो होता है उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, मोबाइल का जो कॉलर ईयरफोन होता है उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, चश्मा के अंदर कैमरा लगा हुआ रहता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक एंड्रॉइड के ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके मोबाइल को ही स्पाई कैमरा में कन्वर्ट कर देगा। अब उस एप्लीकेशन की हाईलाइट फीचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इतना जानिए कि वो लॉक स्क्रीन में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली करते रहेगा। अब वो चाहे आप फ्रंट कैमरा उसमें सेलेक्ट करें या फिर बैक कैमरा, दोनों से वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली चालू रहेगी। इनफैक्ट अगर आप लॉक स्क्रीन ओपन करके किसी के हाथ में भी मोबाइल देते हैं तो ना ही उस एप्लीकेशन का कोई नोटिफिकेशन आएगा, ना ही वो रिसेंट ऐप में भी किसी को दिखाई देगा कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन भी करके रखा हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही हिडन तरीके से, बहुत ही छिप छिपा के वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। अब वो कौन सा एप्लीकेशन है आज इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा क्योंकि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसके एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग आपको करनी होगी जिसके बाद ही आप अपने नोटिफिकेशन को हाइड कर सकते हैं या फिर वन क्लिक में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। फ्रंट कैमरा कैसे सेलेक्ट करना है या फिर बैक कैमरा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, स्किप किए बिना मैं पूरी की पूरी सेटिंग भी आपको करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद आप ओपन करेंगे, ये कुछ टर्म एंड कंडीशन आ रही है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन का इंटरफेस यही है, एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब क्या क्या इसमें सेटिंग करनी है और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग आपको चालू करके भी दिखाऊंगा लॉक स्क्रीन में कि क्या किसी भी तरीके के नोटिफिकेशन आती है या फिर नहीं। ठीक है, तो आपको यहां से पहले हम इस एप्लीकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग वगैरह है वो सेट कर लेते हैं। तो आप ऑप्शन पे जाएंगे, यहां पे सेटिंग का आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने सेटिंग पे क्लिक किया यहाँ पे हमसे कुछ परमिशन हमसे मांगी जा रही है कि हमको अलाउ करना है कि ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, आप अलाउ कीजिए। यहाँ से फाइल मेमोरी एक्सेस करने की परमिशन मांगी जा रही है तो आप यहाँ पे भी अलाउ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे आप देखिए कि कौन कौन सी सेटिंग करनी है। ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शो अ नोटिफिकेशन व्हेन रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप, तो आप इसको ऑफ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा आपके फ़ोन में भी। उसके बाद वाइब्रेट व्हेन स्टॉप रिकॉर्ड वीडियो, तो आप ये अपने हिसाब से ऑन कर लेंगे। इसमें ये बोला गया है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं तो वहाँ पे आपका मोबाइल वाइब्रेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो इसको मैं ऑफ ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल डू नॉट डिस्टर्ब वाइल रिकॉर्डिंग, तो आप इसको ऑन करेंगे तो उसके बीच में अगर जब भी आपकी रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी तो उसके बीच में किसी भी तरीके की कॉल मैसेज वगैरह आपको अपने फ़ोन में रिसीव नहीं होगी, तो ये भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी ये फ्लैश लाइट, पॉज एंड रिज्यूमे, ये सब आपको कोई भी नहीं चाहिए। आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे ये व्यू सेटिंग में आप देखिए कैमरा, आपको बैक कैमरा ऑन करना है या फिर फ्रंट कैमरा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फ्रंट कैमरा यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और जो भी यहाँ पे सेटिंग वगैरह होगी आप वो छोड़ देंगे। यहाँ पे ये शो टाइमर, आप इसको भी बंद कर दीजिए। शॉर्टकट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऑप्शन है, मतलब कि जैसे अगर आपके होम स्क्रीन पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ये तीन शॉर्टकट यहाँ पे आपके मोबाइल में आके ऑटोमेटिकली शो होंगे।
अब यहाँ पे क्या है कि ये वीडियो रिकॉर्डर का आइकन हमें कैसा सेट करके रखना है ताकि किसी को मालूम न चले, तो आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन का शॉर्टकट था वो रेस्टोरेंट के नाम से आ गया। ठीक है, जब सारी सेटिंग हो जाएगी उसके बाद आपको बैक चले आना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये रेस्टोरेंट के ऑप्शन को हमने वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब अगर हमें वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करनी है तो मैं इस रेस्टोरेंट वाले ऑप्शन पे बस एक बार टच करूंगा। यहाँ से ये फर्स्ट टाइम में आपको नोटिफिकेशन ऐसा मिल सकता है, आप अलाउ करेंगे। मेरी फोन अभी थोड़ी सी वाइब्रेट हुई, मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन बार से नोटिफिकेशन आ रहा है कि हमारा फोन वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अब इस नोटिफिकेशन को हटाने के लिए हमको क्या करना है, हम इस नोटिफिकेशन पे टच करके रखेंगे। टच करेंगे तो यहाँ पे ये मोर सेटिंग का ऑप्शन आपको अपने फोन में दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और ये जो शो नोटिफिकेशन है इसको आप बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद कर दीजिए। उसके बाद मिनिमाइज कर दिया हम लोगों ने सक्सेसफुली। अभी क्या है कि रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली चालू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए कि मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से अगर चालू करता हूँ तो मेरा फोन वाइब्रेट हुआ, अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है मेरे फोन में। अब मैं आपको अपना फोन का स्क्रीन लॉक करके दिखाता हूँ कि उसके बाद भी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रहती है या फिर नहीं। तो ये मेरा फोन रहा, मैं इसकी स्क्रीन को लॉक कर देता हूं। ठीक है, अब स्क्रीन लॉक को चालू करते हैं। ठीक है, चालू हो गया। अब यहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है। वापस से अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है तो ये रेस्टोरेंट वाला जो एप्लीकेशन है जिसको हमने वीडियो रिकॉर्डर से चेंज किया हुआ था इस पर आप एक बार टच कीजिए। ठीक है, जैसे ही टच करेंगे वीडियो ऑटोमेटिकली आपके फोन की मेमोरी वगैरह में जाकर सेव हो जाएगी। अब आपको यहां से वीडियो जब देखना है तो वो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो जो है वो क्विक वीडियो रिकॉर्डर फोल्डर में जाकर सेव हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए। देखिएगा, मैंने लॉक कर दिया, आप स्क्रीन लॉक देख रहे हैं लेकिन कंटिन्यूअसली वीडियो चालू है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन का यही बेनिफिट है कि आप अपने फोन की स्क्रीन लॉक में भी इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और बहुत ही मतलब छिप छिपा के भी किसी जगह का वीडियो बना सकते हैं। अगर इन केस आपकी मोबाइल को कोई चेक भी करता है तो उसको किसी भी तरीके का वहां पर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, वो जान भी नहीं पाएगा कि आपका मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में चालू है। ठीक है, तो यूज कीजिए इस बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन को, और अगर आपको किसी भी जगह का वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बस फिलहाल की आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।